हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकुश क्लासेस, अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला। बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर लेक्चर 6, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी तक हमने सॉल्यूशन में 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। डिफरेंट डिफरेंट वी हैव अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके बेटा, अच्छा सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले एक छोटी सी चीज हम समझते हैं, ठीक है। छोटी सी चीज क्या समझते हैं हम लोग, कि वेपर प्रेशर की बात करेंगे जब व्हेन वी आर एडिंग सॉलिड इन लिक्विड। ओके, नाउ सी, एक बड़ी सिंपल सी चीज मुझे पता है कि मेरे पास क्या होते हैं, दो टाइप के सब्सटेंसेस है। वन इज योर वॉलेटाइल और दूसरा कौन सा होता है बेटा हमारे पास, नॉन वॉलेटाइल। ओके, अब बच्चा अगर मैं वॉलेटाइल में बात करूँ ना, तो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं हमारे पास, जो क्या होता है जिसमें आपके पास वो सब्सटेंसेस जो इजिली इवेपोरेट कर देते हैं, जो इजिली इवेपोरेट हो जाएंगे, मतलब उनके क्या है, इजिली वेपर्स बन जाएंगे। और बेटा जिसके इजिली वेपर्स बन जाएंगे, मतलब उसमें क्या बनेगा, वेपर प्रेशर भी लगेगा हमारे पास, ठीक है। ओके, अब नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वो है जो इवेपोरेट नहीं होंगे। अगर इवेपोरेट नहीं होंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे, और बेटा अगर वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी नहीं लगेगा। वेरी मच क्लियर। ओके, नाउ सी, अब हमने क्या बोला है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने क्या लेना है, हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेना है और फिर हम वेपर प्रेशर चेक करेंगे कि क्या हमारे पास वेपर प्रेशर में चेंज आ रहा है। मतलब बोलने का मतलब ये है मेरा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में मैंने क्या लिया है, मेरा सॉल्वेंट क्या है, आई हैव टेकन अ सॉल्वेंट वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, इसको क्लोज कर दो, जो फर्स्ट लेयर है वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसके, वाटर के। तो वाटर तो इजिली इवेपोरेट हो जाएगा, इसके वेपर्स बन जाएंगे। अब इसके वेपर्स बन गए तो ये यहाँ पे क्या लग गया, वेपर प्रेशर भी लग गया। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि प्योर वेपर प्रेशर है ना, तो आ गया पी नॉट, ठीक है। अब क्या किया मैंने कि मैंने मेरे सॉल्वेंट में आई हैव एडेड अ सॉल्यूट। और बेटा सॉल्यूट कैसा ऐड करना है, जो कैसा है आपका, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो इजिली इवेपोरेट नहीं बनेंगे। अब जब आपने बेटा इन दोनों को मिक्स किया तो हुआ क्या हमारे पास, सी यहाँ पे वाटर के ऑब्वियसली बात है फर्स्ट लेयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे हमारे पास, और हमारे पास किस चीज के मॉलिक्यूल्स भी होंगे आपके पास, सॉल्यूट के। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को मैं बॉक्स से बना देती हूँ, ठीक है, कि किसके मॉलिक्यूल्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट, और सर्कल को हम किसके लिए डिनोट कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। नाउ सी बेटा, व्हाट विल हैपन ओवर हेयर, कि अब देखो वाटर तो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ये इवेपोरेट हो रहा है, ये भी 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 हो रहा है, इनके वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। बट मुझे पता है ये जो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसके वेपर्स तो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला कि नॉन वॉलेटाइल वो सब्सटेंसेस है जो इजिली वेपोरेट नहीं होंगे, जिनके इजिली वेपर्स नहीं बनेंगे, तो वेपर प्रेशर लगेगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लेयर में सारे मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट है, वाटर के, तो सबके सब क्या बनाएंगे, वेपर्स, सबके सब क्या लगेगा, वेपर प्रेशर लगेगा। तो बेटा क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो पी नॉट है उसका जो वेपर प्रेशर है, दैट इज मोर देन किससे, पीएसए। पीएस क्या है हमारे पास, दिस इज द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पे मेरे पास अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो 10 के 10 इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है, और 10 के 10 वेपर्स बन रहे हैं, और 10 वेपर्स क्या लगाएंगे, वेपर प्रेशर लगाएंगे। बट यहाँ क्या होगा बेटा हमारे पास, अब फर्स्ट लेयर में जो मेरे पास सरफेस लेयर है वहां पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के भी तो पार्टिकल्स आएंगे जिसके वेपर्स नहीं बन रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या है, 6 वेपर्स ही बने, क्योंकि सिर्फ क्या है, 6 मोल्स ही वाटर के जो है वो प्रेजेंट है सरफेस पे। तो इसीलिए बेटा मैंने क्या बोला कि जो पी नॉट है हमारे पास, दैट इज ग्रेटर देन योर पी सॉल्यूशन, कि वेपर प्रेशर जो है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों कम हो गया, बिकॉज सॉल्यूशन में मैंने ऐड किया सॉल्यूट जिस जो कैसा है, जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो यही चीज हमने बोला था, प्योर वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों हुआ? बिकॉज वी हैव एडेड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ओके, ठीक है।
ओके, तो नेक्स्ट बेटा वी हैव अ रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. अब देखो अगर सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बात करूं तो मुझे पता है कि पी टोटल किसके इक्वल होगा, कि पी नॉट हमारे पास ए जो भी मेरे पास सॉल्वेंट है और मोल फ्रैक्शन, और पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, बी का, मतलब कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट. अभी अभी मैंने बोला कि जो मेरे पास सॉल्यूट है उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, जीरो होगा हमारे पास. क्यों? क्योंकि सॉल्यूट कैसा है आपके पास, दैट इज योर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो अगर मेरे पास पी नॉट बी जीरो है तो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकती दैट पी टोटल पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस ये जीरो एक्स बी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो. तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, पी नॉट पी टोटल दैट इज पी ए इंटू एक्स ए, या फिर मैं इसको डायरेक्टली क्या ऐसे लिख सकती हूँ बेटा कि जो मेरे पास पी सॉल्यूशन है वो सिर्फ और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो मेरे पास क्या है आपके पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन. ये किसके लिए हमारे पास, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की. जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो हमारे पास जो प्रेशर है वेपर प्रेशर वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आपका सॉल्वेंट के ऊपर. ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एक्स वन क्या है मेरे पास, एक्स वन इज योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन. ओके ओके बेटा, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x1 आ गया आपके पास, x2 क्या है आपके पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन. ठीक है, और ये तो हमें पता है कि p नॉट a क्या है हमारे पास, वैसे ही p नॉट a या p नॉट 1 क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर. और p नॉट हमारे पास 2 क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे लेट मी राइट हियर, P not 2 क्या आ गया हमारे पास, P not 2 जो है बेटा आपके पास, that is going to be your what, आपके पास solute का vapor pressure. ठीक है, तो यहां से हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के आने से हो क्या रहा है, कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमें बोलते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बेसिक हमें पता है मतलब क्या होता है, कॉलिगेटिव मतलब ज्वाइन टूगेदर. ठीक है, जो साथ में ज्वाइन हो रही है हमारे पास दो प्रॉपर्टीज को मिक्स करके, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन दैट आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू योर सॉल्वेंट. ठीक है, अभी भी मैंने तुम्हें बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तुम पूरा प्रॉपर्टी में क्या बताओगे, कि सॉल्यूट डालने से क्या हुआ हमारे पास, सॉल्वेंट का क्या नेचर था, बट सॉल्यूट डालने से क्या हुआ. इट विल नॉट डिपेंड ऑन योर नेचर ऑफ पार्टिकल, शेप, साइज, चार्ज एटसेट्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. अब बेटा हमें पता है हमारे पास फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन वी हैव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट बट हमारे पास कौन सी है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो फोर्थ हमारे पास कौन सी आ गई, ऑस्मोटिक प्रेशर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, अब बेटा अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करूं तो क्या वर्ड से भी हमें कुछ चीजें समझ हो जाती है कि मतलब क्या हो रहा है, कि मेरे पास जो है वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. किसके रिलेट करना है, किसके साथ रिलेट करेंगे हम, सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ. कि जैसे ही हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है. ठीक है, तो यही हमने बोला है दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, उसका क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज ऑलवेज फाउंड टू बी द लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ योर प्योर सॉल्वेंट. कि जो मेरे पास पी नॉट का वेपर प्रेशर है दैट इज गोइंग टू बी हाई देन योर पी एस. ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर है. ओके, अब देखो हमारे पास जैसे कि इसमें कैसे समझते हैं हम, फॉर एग्जांपल मान लो अकॉर्डिंग टू हमारे पास नॉन वॉलेटाइल रॉल्स लॉ क्या पढ़ा भी अभी हमने बोला दैट योर सॉरी हमने क्या बोला हमारे पास कि जो हमारे पास पी एस है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू योर एक्स वन पी नॉट वन. ठीक है, अब आपको एक रिलेशन पता है बेटा दैट एक्स वन प्लस एक्स टू दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, वन के इक्वल होता है हमारे पास. तो क्या हम यहाँ से वन का एक्स वन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेंगे. एक्स वन दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, वन माइनस एक्स टू आ गया हमारे पास. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो क्या आ जाएगा बेटा, पी एस दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, वन माइनस एक्स टू पी नॉट वन आ गया. ठीक है, इस टर्म को यहाँ ले जाते हैं, व्हाट विल हैपन यहाँ पे, पी एस डिवाइडेड बाय पी वन नॉट दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, वन माइनस एक्स टू आ गया हमारे पास. ठीक है,
अब इससे यहाँ पे है हमारे पास, नेक्स्ट क्या कर लेंगे, हमारे पास इसे इधर ले जाओ और इस टर्म को यहाँ पे, तो हमारे पास एक्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स टू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू वन माइनस हमारे पास पी एस डिवाइडेड बाय व्हाट, पी नॉट, ठीक है। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे पूरा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इक्वेशन, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय योर पी नॉट, ठीक है। इतना सा चीज हमको क्लियर हो गया बेटा। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, दैट एक्स टू दैट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर बता रहा है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय वॉट, पी नॉट, ठीक है। तो हम इन दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, ये आपको दिमाग में रखनी है चीजें कि क्या होता है एक्स टू हमारे पास एंड दिस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो बेटा डेल्टा पी है ना, डेल्टा पी इज व्हाट, डेल्टा पी इज योर व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। कि इसकी वजह ये जो है ये क्या बता रहा है हमें कि वेपर प्रेशर में क्या आया है, डिक्रीज आया है। और जब बेटा अगर मैं बात करूं ना डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, तो ये कंबाइन फॉर्म में क्या हो गया, इसके साथ रिलेट किया ना हमने, तो दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दोबारा से देख लो हमने क्या बोला था, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस, जिसके बिहाव पे बिहाव गॉट कि एक्स टू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, डेल्टा पी सिंगल आपका क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब आपने इसको रिलेट कर दिया पी नॉट के साथ, तो ये क्या बन गया आपके पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ योर वेपर प्रेशर, ठीक है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो अभी आपने यहाँ पे एक टर्म लिखा दैट योर सी, आपने क्या बोला x2 टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको ओपन करके लिखते हैं हमारे पास इक्वेशन, x2 किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा p डिवाइडेड बाय p नॉट। तो मुझे पता है मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी आपने यहाँ पे किया है टू और टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, दैट n2 डिवाइडेड बाय n2 n1 प्लस n2 दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा p, क्या था, p नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय व्हाट, पी नॉट। इस टर्म को हम ऐसे भी ओपन करके लिख सकते हैं। अब हमें बोला है कि अगर आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया तो मतलब कि अगर मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जहां पे एन वन मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा है, आपके सॉल्वेंट के बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एन टू, तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि ये जो टर्म है हमारे पास एन वन प्लस योर एन टू इट इज ऑलमोस्ट योर इक्वल्स टू व्हाट, एन वन, ठीक है। हमने क्या बोला एन वन इतना ज्यादा है कि ऑब्वियसली बात है अगर मेरे पास डाइल्यूशन ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, तो एन टू का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेटा, बहुत कम है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, हम ऐसा बोल सकते हैं दैट डेल्टा पी दैट इज पी नॉट डिवाइडेड बाय एन टू एंड डिवाइडेड बाय, ये पूरा किसके इक्वल हो गया है आपका, एन वन के, ये आ गया एन वन, इतना सा आ गया हमारे पास। अब इसी रिलेशन में, ओके, इसी रिलेशन में बेटा जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी पुट कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारे पास कि जो भी वेट गिवन होगा डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अब अगर वैल्यूज पुट करें तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बिकम योर, ये क्या बन जाएगा आपके पास, सी ये बन जाएगा आपके पास इक्वेशन, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, ठीक है। W2 है ना हमारे पास, तो यहाँ पे क्या जाएगा N2 का वैल्यू, W2 डिवाइडेड बाय व्हाट, M2, इसके डिवाइड में ये है, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय योर M1 डिवाइडेड बाय योर W1। तो ये भी आपके पास एक क्या आ गया, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, इसमें आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये कब था कि जब हमने बोला कि इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब आपके पास क्या है एन वन जो है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन एन टू, एट दैट केस एन वन किसके, एन वन प्लस एन टू किसके इक्वल हो जाएगा, एन वन के। तो ये इक्वेशन पुट करने पर हमारे पास ये बन जाएगी, ओके। ओके, नेक्स्ट बेटा वी हैव इज योर लास्ट, नेक्स्ट है रीजंस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
अब क्या रीजंस है हमारे पास, देखो सम ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स विल ऑक्यूपाई सम सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया बेटा कि हमारे पास रिलेटिव लोडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया कवर कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो वेपर्स बन रहे हैं ना हमारे पास सॉल्वेंट के, वो आपके क्या बन रहे हैं, कम बन रहे हैं एज कंपेयर टू योर प्योर। तो पहला रीजन आ गया। ओके, सेकेंड रीजन है बेटा दैट द टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू गो इनटू द वेपर फेज स्लाइटली डिक्रीजेस। क्योंकि अब क्या होगा ना बेटा कि सॉल्वेंट का पार्टिकल अगर ये है तो सॉल्यूट के पार्टिकल ने थोड़ा सा तो इसका बॉन्ड बनाया होगा, तो जितना फ्रीली वो पहले जा रहा था उतना फ्रीली जो अब मेरे पास सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो नहीं जाएगा। जब वो नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास वेपर फेज में क्या होगा, जल्दी नहीं पहुंचेगा तो वेपर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। देन लास्ट हमने क्या बोला, हेंस इसीलिए पी नॉट जो है दैट इज ग्रेटर देन पी एस, और पी नॉट अभी मैंने आपको बताया पी नॉट इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड पी एस इज व्हाट, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्यूशन। ओके, एंड आई होप आपको ये लेक्चर यहां तक समझ आया होगा। दिस इज योर व्हाट, ये हमने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर किस तरह से कम हुआ हमारे पास। तो आपको ये जो मैंने बॉक्सेस में डाल दिया है ना, कुछ आपके जितने भी आपको ये डाल दिया है, क्या कहते हैं यहाँ पे, रुको इसको इरेज करके हम ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, जो ये आपका इतना सा है ना बेटा, ये सारे जितने भी बॉक्सेस में डाले हैं उन सबको आपने फॉर्मूलाज को ढंग से लिख के अपने पास रखना है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत जगह पे यूज करेंगे आप इसे। ठीक है, ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।